भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में बनकर तैयार हो चुका है और मंदिर में भगवान श्री राम के विराजमान होने की तारीख नजदीक आती जा रही है। और जैसे जैसे वो तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे अयोध्या में चमत्कार बढ़ते जा रहे हैं। हमने इससे पहले आपको वीडियो में बताया था कि जटायु अपनी सेना के साथ अयोध्या पहुंच गए हैं। वहां 30 सालों से विलुप्त हुआ पक्षी गिद्ध बहुत आयात में, जिनकी तादाद लाखों में है, अयोध्या में जाकर अपना जमावड़ा डाल दिया है और वो भी भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव देखना चाहते हैं। और अब इस वीडियो में भी हम आपके लिए एक अद्भुत आश्चर्य लेकर आए हैं, जिस आश्चर्य को देखकर देश और दुनिया की खोज एजेंसियां और उनके वैज्ञानिक भी परेशान और हैरान नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनके साइंस का कोई भी फैक्ट्स, कोई सिद्धांत इस चीज को समझने में असफल है कि कई लाखों साल पहले जीवित जामवंत की सेना भी भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंच चुकी है। आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा, आप कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। क्या है पूरी खबर जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और आप भी अगर एक सनातनी है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यह बिल्कुल सच है, अयोध्या में 22 जनवरी के महोत्सव को देखने के लिए जामवंत की सेना पहुंच चुकी है। दोस्तों, ऐसा लग रहा है मानो पूरा भारत राम भक्ति में डूबने के लिए तैयार है। केवल देश ही नहीं बल्कि विदेशों के मीडिया हाउस भी प्राण प्रतिष्ठा समारोह को कवर करेंगे। दोस्तों, भगवान राम की मूर्ति की स्थापना समारोह में कई सारे साधु संत और कई नेता अधिकारी जनप्रतिनिधि, जाने माने प्रसिद्ध लोग और लाखों करोड़ों भक्त लोग शामिल होंगे। लेकिन क्या हो जब भालुओं का झुंड और गिद्धों का झुंड मंदिर को देखने पहुंचे? जी हां दोस्तों, कुछ ऐसा ही चमत्कारी और हैरान कर देने वाला दृश्य देखने को मिला जब बीती रात्रि कुछ भालुओं का झुंड मंदिर प्रांगण के आसपास के क्षेत्र में मंडराते हुए दिखे। इससे पहले भी अयोध्या में एक आश्चर्यचकित करने वाली घटना देखने को मिली जब अयोध्या के अंतर्गत आने वाली तहसील मिल्कीपुर के गांव दरौली के जंगलों में दर्जनों गिद्धों का एक झुंड देखा गया, जिसे देखने के लिए ग्रामीणों में हलचल हो गई, क्योंकि गिद्ध एक ऐसा पक्षी है जो मृत पशुओं के सड़े गले मांस को खाने का काम करता है। इससे बीमारी फैलने का डर लगभग खत्म हो जाता है और प्रकृति की सफाई हो जाती है। इसी कारण गिद्ध पक्षी को प्रकृति का सफाई कर्मी भी कहा जाता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब इनकी संख्या दिनों दिन घटती जा रही है, यह विलुप्त के कगार पर है, तो हमारे मन मस्तिष्क में इस प्रश्न का उठना स्वाभाविक सा है कि जब इन गिद्ध पक्षियों की संख्या देश में दिनों दिन कम होती जा रही है, तो ऐसे में दर्जनों की संख्या में अयोध्या के क्षेत्र में यह गिद्ध अचानक कहां से आ गए, और केवल अयोध्या में ही क्यों? आइए दोस्तों, ताज्जुब करने वाली इस घटना को गहराई से समझते हैं। जैसे कि रामायण में बताया गया है कि कैसे प्रभु श्री राम ने अपनी वानर सेना के बल पर लंकापति रावण से युद्ध किया और लंकाधीश रावण को पराजित किया। और आप ये भी जानते होंगे कि राम जी की सेना में कौन कौन थे। राम जी की सेना में सर्वोत्तम राम भक्त महाबली हनुमान और वानर राज सुग्रीव, बाली पुत्र अंगद और असंख्य वानर सेना थी। इसके अलावा उनकी सेना में यशराज यानी भालू के राजाओं के जामवंत भी थे, जो समय समय पर अपनी वानर सेना का मार्गदर्शन करते थे। इसके अलावा रामायण में एक घटना का उल्लेख देखने को मिलता है कि महापंडित कहे जाने वाला रावण जब माता जानकी का अपहरण करके पुष्पक विमान में बैठकर लंका ले जा रहा था, तब रावण का सबसे पहले सामना होता है विशाल जटायु पक्षी से, जिसने हवा में उड़ते हुए रावण से बड़ी वीरता के साथ युद्ध किया और रावण को चोट भी पहुंचाई। लेकिन रावण के वार से पक्षी जटायु का एक पंख कट गया और जटायु धरती पर आ गिरे, और अपहरण का सारा प्रकरण जटायु ने रामजी को सुनाया और अंततः वीरगति को प्राप्त हुए। सतयुग के इन्हीं जटायु पक्षी को आज कलयुग में गिद्ध पक्षी के नाम से जाना जाता है। और जब तहसील मिल्कीपुर के दरौली नाम के जंगलों में दर्जनों गिद्ध पक्षियों को एक साथ देखा गया, तो सभी ग्रामीण लोग यही कह रहे हैं कि यह पक्षी जब विलुप्ति की कगार पर हैं, जो अब ना के बराबर देखने को मिलते हैं, तो इतनी बड़ी संख्या में गिद्धों को देखना किसी चमत्कार से कम नहीं है। ग्रामीणों का मानना था कि यह गिद्ध पक्षी कोई और नहीं बल्कि जटायु के अवतार या फिर वंशज है, जो अयोध्या में बन रहे रामलला के भव्य मंदिर को देखने पहुंचे हैं, या फिर यूं कहें कि अपनी हाजिरी लगाने अयोध्या आए हैं। अयोध्या में विलुप्त प्रजाति गिद्धों का दिखना किसी चमत्कार से कम नहीं है, और लोगों ने इन गिद्धों जटायु का वंशज मानकर उनकी पूजा करना भी शुरू कर दिया है। चलिए अब बात करते हैं वानरों की। आपको पता ही है कि प्रभु श्री राम की सेना में असंख्य वानर शामिल थे, जिनकी सहायता से भगवान राम ने लंका पर विजय पाई थी, और आज के समय में बंदरों को उसी वानर सेना का प्रतिरूप माना जाता है। यूं तो अयोध्या में बंदरों का जमावड़ा देखने को मिलता रहता है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में बंदरों का झुंड कहां से आ गया, यह भी सोचने वाली बात है। कुछ लोग ऐसा बता रहे हैं कि चित्रकूट से काफी सारे बंदर अयोध्या में आ रहे हैं,
ऐसा लग रहा है मानो अयोध्या की भव्य और दिव्य राम मंदिर को देखने के लिए खुद वानर सेना चित्रकूट से पधार रही है, मानो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होना चाहते हो। आपको बता दें कि चित्रकूट भगवान राम की कर्णभूमि मानी जाती है, जहां प्रभु श्री राम ने अपनी पत्नी माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अपने 14 वर्ष के वनवास में से 11 वर्ष यही चित्रकूट में रहकर बिताए थे। ऐसे में चित्रकूट से वानरों का अयोध्या आना बेहद दिलचस्प घटना मालूम पड़ती है। दोस्तों, जब अयोध्या के आसपास दर्जनों गिद्ध और बंदरों को देखने के बाद भालुओं का झुंड दिख जाए तो यह किसी दिव्य चमत्कारी से कम नहीं लगता है, क्योंकि भालू अक्सर जंगलों में पाए जाने वाले जंगली जानवर हैं और रिहायशी इलाकों में भालू का आना एक हैरान कर देने वाली घटना है। दोस्तों, वृक्षराज जामवंत नाम तो आपने सुना होगा, और जहां रामायण का नाम आएगा वहां जामवंत का नाम जरूर आएगा। सोचिए जामवंत कितने बड़े विद्वान और कितने बड़े बलवान थे। भगवान श्री राम का जब जन्म हुआ तो जामवंत जी ने उनकी सेवा भरपूर की थी। जामवंत जी भगवान श्री राम के लीगल एडवाइजरी के रूप में जाने जाते हैं, कानूनी सलाहकार के रूप में जाने जाते हैं। जामवंत का गिने चुने मंत्रियों में स्थान था, जो भगवान श्री राम को समय समय पर सुझाव दिया करते थे और भगवान राम को मानते भी थे। जामवंत जी कोई छोटे मोटे योद्धा नहीं थे, जामवंत जी महान योद्धा थे, हनुमान जी से भी अधिक शक्तिशाली और बलवान प्रक्रमी वीर थे। जामवंत जी कोई साधारण भालू नहीं थे। आपको बता दें कि जब भगवान श्री राम ऋषिमुक्त नामक पर्वत पर पहुंचे थे तो वहां भी जामवंत जी ने ही भगवान श्री राम को सलाह दी कि हे प्रभु, बाली महापराक्रमी है, यदि आप बाली के सामने जाओगे तो निश्चित मारे जाओगे, निश्चित आपकी पराजय हो जाएगी प्रभु। अब दोस्तों, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा जैसे खास मौके पर पहले भालू के झुंड को देखना बेशक सभी जन असाधारण समझ रहे हैं। यहां भी राम भक्त आपस में चर्चा कर रहे हैं कि यह भालुओं का झुंड और कोई नहीं बल्कि सतयुग कालीन प्रभु श्री राम के भक्त यशराज जामवंत के अवतार ही हैं, जो 22 तारीख को हो रहे अलौकिक समारोह में शामिल होने की अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। तो यह कह सकते हैं कि प्रभु श्री राम की संपूर्ण सेना राम जी के दर्शन हेतु अयोध्या पहुंच रहे हैं, जिसमें जटायु जामवंत और पूरी वानर सेना शामिल है। यूं तो हर कोई अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाने की मंशा रखते हैं, लेकिन जटायु पक्षी के सामान दर्जनों गिद्धों का दिखना और जामवंत के अवतार कहे जाने वाले भालू के झुंड को देखना सच में जनमानस को अचंभे में डाल रहा है। अब तो ऐसा लगता है जैसे रामलला की इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में केवल नर और नारी ही नहीं बल्कि सूर्य देव नाग गंधर्व शामिल होंगे और स्वर्ग से अन्य सभी देवी देवता भी इसके साक्षी बनेंगे। सभी यह देखना चाहते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जब बाल अवतार में अयोध्या नगरी में विराजमान होंगे तो कैसे लगेंगे। दोस्तों, इस घटना पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर आप एक सच्चे सनातनी हिंदू हैं तो कमेंट में लिखें जय श्री राम। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें।